हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेगेनर्स अगेन। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हम बना रहे हैं जैसे मैं पहले बनाया करता था, वीकली रेंज फॉर निफ्टी। तो मैं वीकली रेंज फॉर 11th नवंबर की यहाँ पे बात करेंगे हम, और उसको हम निकालने का ट्राई करेंगे एज पर द चार्ट टेक्निकल एनालिसिस, एज पर द ओपन इंटरेस्ट एंड एज पर द वॉलेटिलिटी रनिंग राइट नाउ। ओके, तो तीनों के हिसाब से जो हमारी एक एवरेज रेंज आएगी उस रेंज को हम यहाँ पे अभी निकालने का ट्राई करेंगे। ये फॉर द नेक्स्ट वीक है, ऐसा मैं अगले वीक्स के लिए भी करूँगा। तो अभी हम 11 नवंबर के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं एज पर द चार्ट, एज पर द वॉलेटिलिटी एंड एज पर ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो जो लोग भी अभी नए हों और चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों पे भी शेयर कर सकते हैं। चैनल बेसिकली ऑप्शन सेलिंग पे है, बेसिकली मतलब 99% कंटेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड मिलेगा, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो, इंट्राडे ऑप्शन हो, इंडेक्स ऑप्शन हो, कोई भी, बट ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड होगा, बाइंग रिलेटेड विल बी लीस्ट 1%। ओके, और आपको अगर लाइव ट्रेड्स को फॉलो करना है या एनीथिंग यू नीड टू फॉलो लाइव टाइम पे, तो लाइव अपडेट्स आपको कहाँ मिलेंगी, थीटा गेनर्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 86,000 मेंबर्स हैं। आपको अपने फ़ोन से थीटा गेनर्स सर्च करना है और जो चैनल आपको मिले 86,000 मेंबर्स वाला वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको नॉर्मल इंटरडे ट्रेडिंग मिल जाएगी, आपको बड़े अकाउंट के साथ जैसे ये मेरा 1 CR वाला अकाउंट है उसमें मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव अपडेट्स मिलेंगी। ओके, तो चलो अभी हम ना चार्ट वाइज देखते हैं, ठीक है। तो चार्ट वाइज अगर मैं डेली चार्ट खोल रहा हूँ, डेली चार्ट ओपन किया है मैंने, तो मुझे बेसिकली एक चीज़ दिख रही है कि जब यहाँ से मार्केट ऐसा बिग जंप में गया था और ये कंसोलिडेशन आया था तो मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के वजह से ऊपर की तरफ गया था वो, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया एज ए सपोर्ट टाइप एरिया है, आप समझ रहे हो, एज ए सपोर्ट टाइप एरिया है। एंड अगर दूसरा कोई सपोर्ट देखें तो वो ये रहा नियर फ्यूचर में, जहाँ पे मार्केट पहले भी आई थी, फिर ऊपर गई, वहाँ से टिप करके नीचे वापस से उसी जगह पर टेस्ट कर चुकी है, देन फिर उसने जंप मारा है लगभग 300-400 पॉइंट का, ठीक है। तो ये जो दो एरिया है वो चार्ट वाइज एज पर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये एरिया, तो मतलब मैं 17400 से 17600 का एरिया इनको मैं सपोर्ट एरिया मान सकता हूँ फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, अगर हम अपर साइड की बात करें तो अपर साइड में जो बहुत ही तेज सेलिंग आई, जहाँ से बहुत तेज सेलिंग, ये वो टाइम था जहाँ से बहुत तेज सेलिंग आई थी, ठीक है। तो ये एरिया जो अपना 18300 वाला एरिया है ना, ये एक तेज सेलिंग के लिए माना जाएगा, यहाँ से मार्केट गई थी, ठीक है, नीचे की तरफ। इससे अगर आप दूर जाओगे, बोलोगे कि सर ये भी तो रेजिस्टेंस है, इससे दूर जाके आपको 18600 पे कोई प्रीमियम नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ एक कि ये भी रेजिस्टेंस है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्लियरली मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए अगर देखी जाए तो रेंज क्या बनी, ये रही। तो चार्ट वाइज हमें क्या दिख रहा है, 17500 एंड 18300, ये हमें दिखाई दे रही है एज पर द चार्ट रेंज। बेसिकली यू कैन से 18300 कॉल एंड 17500 पी, ये हमें एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम वॉलिटिलिटी वाइज भी देखते हैं कि क्या हाल चाल है। अगर मैं इंडिया विक्स देखूं तो इंडिया विक्स इज राइट नाउ 15.74, ओके, नॉट दैट हाई, नॉट दैट लो। तो 15.74 एज पर द रनिंग प्राइस, रनिंग प्राइस क्या है अपना निफ्टी का, ये रहा 916, ठीक है। तो अभी हम विक्स उस पे गए कैलकुलेटर पे और मैंने यहाँ डाला 916, विक्स रेंज अभी चल रही है 15.70, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम वीकली रेंज देखें तो हियर यू कैन सी कि हाई कितना है, हाई इज 18306। थोड़ी जुकाम खांसी है, विदर चेंज 18300, देखो चार्ट वाइज भी हमें निकालने को मिला है और वॉलिटिलिटी वाइज भी इट इज एग्जैक्ट 18300, तो मतलब यस हम थोड़ा सही रास्ते पे हैं, इट इज गोइंग परफेक्ट। और अगर हम नीचे की तरफ देखें वो भी कितना आया है, 17500। तो हम नीचे की तरफ देखें तो विक्स वाइज भी लो क्या आया है, 17526। तो वी आर एग्जैक्टली परफेक्ट बिटवीन चार्ट एंड वॉलिटिलिटी। ओके, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि वॉलिटिलिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लूँ फ्रॉम आर साइड ऑलरेडी, तो थोड़ा सा क्या होगा कि हमें एक
वो मिल जाएगा थोड़ा सा एक कि हम थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि अगर हम ऑप्शन से ले रहे हैं तो हमें वेक्स के ऊपर जाने से थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। वो करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली 50-50 पॉइंट्स की रेंज इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो वेक्स वाइज वी आर फाइन, हमें क्या ये रेंज चेंज करने की जरूरत है? नहीं, दिस रेंज इज गुड विद द वॉल्टिलिटी ऑल्सो। अब हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन में गए, ओपन इंटरेस्ट में गए हम, और 11 तारीख के हम ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में एक्चुअली मैं सही बताऊँ आपको, मुझे ये ओपन इंटरेस्ट देख के एक तरीके का वो लग रहा है जैसे साइडवेज मार्केट है। देखो एक बार, कॉल साइड में जितना राइटिंग हुआ है उतना ही बिल्डअप कहाँ पे है, उतना ही बिल्डअप पुट साइड में भी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भागे हों। और यहाँ पे देखो नीचे की तरफ अनवाइंडिंग किसी की भी नहीं है, तो यहाँ पे जो रिसेंटली एडेड में अगर हाईएस्ट अपर साइड में दिख रहा है तो कहाँ पे है, 18400 के आसपास सारे एडिशन हैं। और ये तो देखो पास वाले, मैं फिर भी आउट ऑफ द मनी की बात करूँ तो आउट ऑफ द मनी में जो एडिशन हुए रिसेंटली वो कहाँ थे, वो थे बेसिकली 18400-300 की रेंज में। नीचे की तरफ आप देखोगे कि लगातार एडिंग है, ये क्यों हुआ होगा एडिशन लगातार, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, लास्ट ट्रेडेड डे। ये चेंज इन वाई क्या है, लास्ट ट्रेडेड डे की है। तो ये नीचे की तरफ कैसा दिखा रहा है आपको, ये नीचे की तरफ दिखा रहा है कि लास्ट ट्रेडेड डे में कहाँ ऐड हुआ। तो उस दिन वो दिन कैसा था, वो दिन था कैसा, वो दिन एक्चुअली एक तरीके से मान लो कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ओपन हुई, नीचे गई फिर ऊपर चली गई, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल डे था, इसीलिए लोग क्या नहीं कर पाए, लोग डिसाइड नहीं कर पाए यहाँ पे। बट अगर मैं ओवरऑल ओआई देखूं ऊपर की तरफ, ये भी यही दिखा रहा है कि मार्केट कैसा दिख रहा है, साइडवेज दोनों तरफ से थोड़ा सा बिल्डअप बराबर का है। कॉल साइड में ऑफकोर्स यू कैन सी कि पोल्स थोड़े ज़्यादा हैं, ये क्यों है, क्योंकि आप चार्ट में देख सकते हो चार्ट में थोड़ा सा पुल बैक लॉन्ग हो गया है, मतलब हम 18600 से कहाँ आ गए थे, 17600, तो 1000 पॉइंट का डाउन मूव आता है तो थोड़ा सा ना कॉल साइड वाले थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा हीरो समझने लगेंगे, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो थोड़ी सी पोजीशंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको कॉल साइड थोड़ा भारी दिख रहा है। बट आई कैन सी अ लिटिल साइडवेज टू डाउन साइड, ओके, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट डाउन साइड का नहीं सोच रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर अपर साइड में हम देखें भी तो ये एक एरिया है जहाँ पे हम सस्टेन कर सकते हैं 18300 एज पर वीकली, एंड दिस 17500 वो तो वैसे भी राउंड फिगर है, यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट ओआई मिडिल में कहाँ पे 17500 पे, तो यहाँ से भी इट इज़ फाइन, चार्ट वेक्स ये सब मैच कर रहा है। अब हमें देखना ये होगा कि क्या हमारे लिए कितना वो है कि हम इन दोनों को बेचें तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन चेन में गए और 11 नवंबर चूज किया, एक्चुअली वी आर लेट, ये काम हमें फ्राइडे के दिन ये ट्रेड डालनी चाहिए थी, बट दैट्स फाइन, हम देखते हैं क्या होगा। 17500 अभी 16 रुपीज का है, ठीक है, एंड 18300 भी 15-16 रुपीज का है, तो अगर हमने अभी भी ये ट्रेड की या कुछ किया तो हमें अभी भी 30 रुपीज के आसपास मिल रहे हैं, ठीक है, तो 30 रुपीज भी इनफ होते हैं, कोई बहुत वो नहीं होता है, बट ये रेंज मेरे हिसाब से सेफ गार्डेंड रेंज है कि यहाँ पे मार्केट के टिकने के चांसेस हैं। तो एज पर द रूल्स, एज पर द चार्ट, एज पर द वॉलिटिलिटी एंड एज पर द ओआई, ये एरिया सस्टेनेबल दिख रहा है राइट नाउ फॉर 11th, मतलब 4 दिन की बात है। ये नहीं बोल सकते कि यही होगा, क्योंकि आजकल 4 दिन तो बहुत होता है मार्केट के कुछ भी करने के लिए, ठीक है, बट एज पर विच इज आई कैन सी बाय द डेटा, मुझे ऐसा लगता है कि 17450 एंड 18350, ये 50 पॉइंट और ऊपर नीचे ले लो, दैट्स इट, इसके अलावा कोई रेंज नहीं है। और वी आर लेट बेसिकली, क्योंकि जब भी हम कोई वीकली ट्रेड डालते हैं तो अगर 11th की ट्रेड है तो वो कब डाली जाती है, आपको 4th या 5th को डाल देनी चाहिए, बट इस बार क्या था, इस बार छुट्टी थी, डायरेक्ट दिवाली थी, तो कोई सेंस नहीं बनता। जैसे अगली बार है मुझे 18 का कुछ करना होगा तो मैं 12th को डाल चुका हूँ, जबकि अभी हम कब की बात कर रहे हैं, मंडे की बात कर रहे हैं 8 तारीख की, मतलब सिर्फ 3 दिन बचेंगे फॉर द एक्सपायरी, तो उस टाइम पे प्रीमियम्स लो हो ही जाएंगे ऑफकोर्स। और वॉल्टिलिटी भी कितनी चल रही है, वॉल्टिलिटी चल रही है 15, तो 15 की वॉल्टिलिटी में अगर आप सोच रहे हो कि आपको 300-400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे आपको यहाँ 40-40 प्रीमियम मिलने वाली है निफ्टी में, तो दैट इज नॉट, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो रेंज बेसिकली हमें अभी के हिसाब से जो दिखाई दे रही है दैट इज वॉट, 18300 एंड 17500 फॉर 11th नवंबर, ओके। और अभी हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, जैसे कि स्मॉल अकाउंट में भी कोई पोजीशन नहीं है मेरी, हाँ बिग अकाउंट में पोजीशन चल रही है, रनिंग है, तो उसमें 70,000 के आसपास का प्रॉफिट है, वो मैं अभी काटने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्ट्रेंगल पड़ा हुआ था, एक मारुति भी पड़ी हुई है उसके अंदर, ठीक है, मारुति तो 1 CR वाले अकाउंट में पड़ी है, तो मैं उसमें एडिशन का सोचूंगा। तो मारुति का कई लोग पूछ रहे थे व्हाट इज द स्टॉप लॉस, मैंने सोच के रखा है कि नियर टू 20,000 का
लॉस मेरे लिए उसका SL होगा, ठीक है। अगर मैंने कोई स्टॉक निकाला है कुछ भी करके, तो बेसिकली उस पर एक फेथ भी होना चाहिए। ऐसे थोड़े से डगमग से मैं उसमें आउट होने लगूँ ट्रेड से, तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है। ओके, तो फॉर द वीडियो आज की रेंज ये रही एज पर द रूल्स रेगुलेशन और एज पर द डेटा, ठीक है। अगले वीक का आप भी अपने हिसाब से ट्राई करके निकाल सकते हो और मैं भी वीडियो डालूंगा तब तो आप देख सकते हो। ओके, चलो बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।